हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको एससी वर्मा के डाउट जो भी हैं, एससी वर्मा के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सब सॉल्व कराने वाला हूं बच्चों आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो हम बात करते हैं बच्चों आज चैप्टर नंबर 29 वॉल्यूम 2 एससी वर्मा वॉल्यूम 2 की बात करेंगे। हम चैप्टर नंबर 29 की बात करेंगे बच्चों, और चैप्टर का नाम है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम किताब ले लेता हूं बच्चों मैं, और यहां से हम चैप्टर नंबर 29 के क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, बच्चों एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है बच्चों, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो किसके बारे में बात करेंगे हम? फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए आप बच्चों, मैं डाउट तो आपको बताऊंगा ही बच्चों, और साथ के साथ आपको जो भी आपको मैंने लेक्चर में पढ़ाया है उसकी भी रिवीजन कराता रहूंगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। किसकी बात करेंगे बच्चों? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर मैंने आपको बता ही दिया, चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? ये चैप्टर नंबर है 29, चैप्टर का नाम मैंने आपको बोल ही दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलिए बच्चों तो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है कि हमें यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला निकालना है बच्चों, किसका? एप्सिलॉन नॉट का। अब बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो पहले हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में जान लेते हैं। भाई एप्सिलॉन नॉट क्या था बच्चों अपने पास? इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे हम परमिटिविटी। क्या था ये बच्चों? परमिटिविटी। क्या था? परमिटिविटी। भाई हमें ये पता था, ये परमिटिविटी कहाँ काम आई थी अपने? आपको पता होगा भाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी, ये परमिटिविटी कहाँ काम आई थी अपने? कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में काम आई थी। तो बच्चों आपको पता होगा, एज वी नो हमें पता है फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ सभी बच्चों को बताया है मैंने, लेक्चर नोट्स में आप देख सकते हैं। कूलम्स लॉ क्या बताया था बच्चों? मैंने आपको बोला था कि F बराबर क्या होता है बच्चों? के क्यू वन क्यू टू अपॉन बच्चों क्या बताया था मैंने? आर स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू आपको बोली थी मैंने बच्चों, K बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए ये बच्चों? फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और किसके लिए बच्चों? वैक्यूम के लिए। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। के बराबर हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट की थी बच्चों, वो कैलकुलेट की थी 9×10⁻¹। क्या कैलकुलेट की थी बच्चों? 9×10⁻। ठीक है, अच्छा यूनिट वगैरह मैं आपको यहाँ से बताते हुए चलूँगा, पहले हम यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात समझ आ रही है आपको बच्चों? एप्सिलॉन नॉट की भी बच्चों मैंने आपको वैल्यू बताई थी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बच्चों? भाई एप्सिलॉन नॉट की मैंने वैल्यू बताई थी 8.85×10⁻¹ कितना था बच्चों? -12। ठीक है, यूनिट वगैरह तो हम बनाएंगे, डायमेंशन फार्मूला हमें क्वेश्चन में बनाना ही है। चलिए पहले हम इसकी बना लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, चलिए तो डायमेंशन फार्मूला हमें सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है ना? तो यहाँ मैं के की जो यूनिट लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसकी यूनिट हो गई। फिर एप्सिलॉन नॉट की मैं क्या यूनिट बना सकता हूँ? भाई एप्सिलॉन नॉट की हम उल्टी यूनिट बना सकते हैं, वो क्या होगी बच्चों? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। अब हमें तो डायमेंशन फार्मूला बनाना है, तो देखिए सिंपल मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा। एक तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं डायमेंशन, और एक हम बिल्कुल प्रॉपरली चलेंगे तो उसके हिसाब से। तो मैं आपको पहला मेथड बता देता हूं बच्चों, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों? फर्स्ट मेथड में मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट मेथड में क्या कर सकते हैं हम करेंगे भाई F बराबर, सर ने हमें अभी ये भी बताया कि K क्यू वन क्यू टू। ठीक है, ये मॉड कर लेना क्योंकि हम ओनली मैग्नीट्यूड यूज ले रहे हैं, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी अपॉन क्या होगा बच्चों? आर स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता होगा भाई F, अब F की बात कर लेते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। F बराबर क्या बताया था बच्चों? भाई 11th क्लास में अपने पढ़ा था F बराबर क्या होता है? MA। F बराबर क्या होता है? MA।
तो अगर मैं एफ की डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूँ, है ना, तो डायमेंशन फार्मूला जिन बच्चों को आता है तो डायरेक्ट कर लेगा, पर जिन बच्चों को नहीं आता है वो डायमेंशन फार्मूला बना सकता है। कैसे? तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर मैं एफ की एसआई यूनिट की बात करूँ तो एफ की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, या फिर मैं बोल सकता हूँ एमकेएस यूनिट। तो एमकेएस यूनिट क्या होती है, देखो एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो देखो एम मास, एम किसके लिए स्टैंड करता है बच्चों, मास के लिए। तो मास से क्या आता है बच्चों, एम वन, ठीक है। एक्सेलरेशन की आपको अलग से पता ही होगी भाई, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से क्या आता है बच्चों, एल वन, और पर सेकेंड स्क्वायर से क्या आएगा बच्चों, पर सेकेंड स्क्वायर से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एस की पावर माइनस टू। तो एस की पावर माइनस टू क्या बन जाएगा बच्चों, टी की पावर माइनस टू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एमकेएस यूनिट के हिसाब से हम जो डायमेंशन बनाएंगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास को हम लिख भाई एमकेएस के हिसाब से हम मास को क्या लिख सकते हैं, केजी, है ना। मास को हमने क्या लिखा, केजी, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं केजी मीटर एस की पावर माइनस टू। और अगर मुझे इसका डायमेंशन फार्मूला बनाना है तो डायमेंशन ऑफ एफ क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं केजी से आता है एम वन, एम से आता है एल वन, और एस का मतलब टी माइनस टू। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, M1 L1 T माइनस टू। क्लियर है बात, ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको। तो आगे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हमें पता है कि भाई M1 L1 T माइनस टू, ये तो हमारे पास फोर्स का आ गया। समझ आ रही है बात बच्चों, ठीक है। अब K की वैल्यू हम रखेंगे, पर K को अभी ऐसे रखो, K को, अच्छा ठीक है चलो K की वैल्यू रख ही लेते हैं हम। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो इनटू में क्या है बच्चों, क्यू वन। अब क्यू वन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब क्यू वन की डायमेंशन क्या है, तो वो क्यू वन की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यू वन को हम लिख सकते हैं, हमें याद हो, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, क्या हमें बताया गया था कि आई बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बाय टी। तो क्योंकि आपको पता है करंट इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो दो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से एक हमें क्या मिलेगी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या हम इसको डिराइव कर सकते हैं, आई इंटू टी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्यू की डायमेंशन आई से क्या आया बच्चों, ए वन, और टी से क्या आया बच्चों, टी वन। तो ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए वन टी वन, क्या लिख सकते हैं, ए वन टी वन, ठीक है। एक बार लिखोगे ए वन टी वन, दूसरी बार भी क्या लिखना है बच्चों आपको, ए वन टी वन, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा यहाँ से हमने आर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, आर किस में मेज़र करते हो, मीटर में, और मीटर के लिए हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या लेते हैं, एल की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, टू हो जाएगा। एल की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, टू हो जाएगा। बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो आप ये बात आपको समझ आई तो इस वाले पार्ट को आप नोट कर लें बच्चों, स्क्रीन को पॉज करें उसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोला, वहाँ से अपने पास क्या आया, देखिए वहाँ से अपने पास हमने क्या लिखा बच्चों, एम वन एल वन टी माइनस टू। अब हमें बनानी है एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ का ध्यान रखें, फोर कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका डायमेंशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, मैं क्या बोल सकता हूँ, डायमेंशन क्वांटिटी, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनकी डायमेंशन हमेशा वन होती है, ठीक है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम बात करें अगर, तो हम इसको ऐसे लिखें, एम वन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम वन एल वन टी माइनस टू, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि वन का तो वन रहेगा, वन कांस्टेंट होता है, फोर पाई भी कांस्टेंट, तो उसका डायमेंशन वन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों हम, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ए वन इंटू ए वन क्या हुआ बच्चों, ए की पावर कितनी, टू, और टी वन इंटू टी कितना हो जाएगा, टी की पावर टू, और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, एल की पावर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है बच्चों हमें। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएँ, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा वन अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एम वन एल वन टी माइनस कितना बच्चों, टू, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, ए की पावर कितनी बच्चों, टू, टी की पावर कितनी बच्चों,
टू, और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, एल की पावर कितनी बच्चों, टू। तो बच्चों एल वन, देखो एल की पावर, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है। तो हमें तो बेसिक मैथमेटिक्स पता ही है कि भाई जब बेस सेम होते हैं तो बच्चों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा एम वन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों एम वन, ये हो जाएगा एल की पावर कितनी, थ्री, एल की पावर कितनी, थ्री, और टी की पावर कितनी, माइनस टू। तो बच्चों आपको पता है कि ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, देखो एम वन ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, एम की पावर कितनी, माइनस वन, एल थ्री ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, एल की पावर कितनी, माइनस थ्री, टी की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस में हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ऊपर जाते ही प्लस में हो जाती है, अगर ये प्लस होता ऊपर जाके ये माइनस हो जाता, तो अभी माइनस है तो माइनस जाके क्या हो जाएगा, तो ये टी की पावर फोर हो जाएगा, ए की पावर टू ऑलरेडी है तो ए की पावर टू। तो ये बच्चों अपने पास फाइनल एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब बुक में हमें कई बार इसको ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, एम एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर फोर, और ए को लिख सकते हैं बच्चों, कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई की पावर टू। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? तो बच्चों ये एक मेथड हो गया, जिन बच्चों को बिल्कुल 11th क्लास का अगर बेसिक भी नहीं पता है तो उनके हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप चाहें तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए मैं एक सेकेंड मेथड बता देता हूँ, स्क्रीन को पॉज कीजिए और सबको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए रफ कर दो, चलिए चलिए बच्चों देखिए आगे बात करते हैं हम। आगे मैंने आपको बोला इसी का मैं सेकेंड मेथड आपको बता देता हूं कि सेकेंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं बच्चों। तो मैं लिख देता हूं यहां पे सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिक लगानी है बच्चों हमें। ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको पता है कि ये देखो इसके इस ट्रिक के लिए बच्चों आपको पहले तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। एफ बराबर क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू का मॉड अपॉन बच्चों कितना होता है, स्क्वायर। अब इस ट्रिक के लिए बच्चों आपको एक तो फोर्स की डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला तो पता ही होगा, अभी अभी मैंने बता भी दिया है क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस कितना बच्चों, टू, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे के का डायमेंशन भी आना चाहिए, यानी के की जो भी अपने पास डायमेंशन फार्मूला है तो वो भी हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो के का फार्मूला बना रहे हैं, तो के का जो अपने पास फार्मूला था वो क्या था बच्चों, 4πε0। 4π कितना था, ε0। यूनिट क्या बनी थी इसकी बच्चों, यूनिट क्या बनी थी, या तो इसको ऐसे लिखो या फिर के की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, क्या लिखी थी बच्चों बोलो जल्दी जल्दी, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, कूलम स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपको, के की जो वैल्यू है कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें क्या बनाना है, के लिए बनाना है, यानी एप्सिलॉन नॉट के लिए बनाना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, के बराबर कितना होता है, 4πε0। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, 4πε0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर मुझे डायमेंशन बनानी है बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बनाने के लिए क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊँ, इसको पूरे को इंटरचेंज कर दूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना कितना बच्चों, 4πε0 लिख सकते हैं ऐसा। अब आपको पता है कि भाई ये तो कांस्टेंट होता ही है, तो हम इसका डायमेंशन फार्मूला सीधा बना सकते हैं। अब कूलम का मतलब चार्ज, तो चार्ज का मतलब अभी भी मैंने बताया भाई, चार्ज का मतलब क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है डायमेंशन, ये क्या होता है बच्चों, A1T1, क्या होता है A1T1। तो कूलम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, A1T1। समझ आ रही है मेरी बात, का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन आपको पता ही है बच्चों क्या होता है, m1 l1 t-2, ठीक है। मीटर का वो हो जाएगा l2, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन 4π आपको पता है क्योंकि कांस्टेंट होता है, 4π क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, 1, 1 का मतलब m0 l0 t0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा a1, तो ये हो जाएगा a2,
ये टी वन है तो मल्टीप्लाई होगा तो टी टू, यहाँ से हो जाएगा एम वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, एम वन एल थ्री टी माइनस टू, ये हो जाएगा अपना एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बनाना फॉर्मूला, डायमेंशन फार्मूला बनाना है। तो यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम वन एल की पावर माइनस थ्री, एम की पावर माइनस वन, टी की पावर प्लस फोर और ए की पावर कितना हो जाएगा टू, ये आ गया अपने पास फाइनल फार्मूला। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर फोर, ए की जगह क्या लिख सकते हो जैसा कि एस सी वर्मा में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी करेक्ट है, ऐसे लिखोगे तो समझ आया, ठीक है, चलिए ओके।